हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीमेन एनालाइज टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं, सीमेन और स्पर्म दोनों ही अलग अलग हैं। मींस है तो वही, बट दोनों ही अलग है। पहले जो सीमेंस होता है, हमारा सीमेन होता है, उसी से हमारा स्पर्म जो है वो कन्वर्ट होता है आगे चल के। तो इस सीमेन एनालाइज टेस्ट में जो है हम जानेंगे रिपोर्ट्स में स्पर्म काउंट क्या होता है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या होता है या स्पर्म मोर्टिलिटी क्या होता है, इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं सीमेन एनालाइज टेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है। तो सीमेन एनालाइज टेस्ट को सीमेन टेस्ट, स्पर्म काउंट टेस्ट, स्पर्म एनालाइज टेस्ट, मेल फर्टिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सीमेन टेस्ट क्या होता है? तो सीमेन टेस्ट जो है वह आपका जांच की जाती है, उस स्पर्म की टेस्ट की जो है आपकी जांच की जाती है कि स्पर्म जो है आपका सीमेन जो है इसमें चेक किया जाता है, स्पर्म काउंट जो है वह क्या है, कितना है, मॉर्फोलॉजी चेक की जाती है। इसके अलावा आपके सीमेन एनालाइज टेस्ट में स्पर्म की मोर्टिलिटी चेक की जाती है और अदर पैरामीटर्स भी चेक किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं स्पर्म काउंट क्या होता है। तो स्पर्म काउंट में आपका आपकी सीमेन में चेक किया जाता है कि जो आपका स्पर्म बन रहा है, जो आपका स्पर्म काउंट है उसमें प्रति मिलीलीटर सीमेन में स्पर्म जो है वह कितनी संख्या में मौजूद है। इसके अलावा स्पर्म की मोर्टिलिटी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि स्पर्म्स की जो है मोटाई, आकार या फिर उसका जो ढीलापन जो है वह कितना है, वह जांचने के लिए मॉर्फोलॉजी का जो पैरामीटर है वो चेक किया जाता है। इसके बाद बात आती है मोर्टिलिटी की। मोर्टिलिटी में आपका चेक किया जाता है कि जो स्पर्म है उसकी वह कितनी तेज गतिशील है या उसका जो वे सीधी या विकृति किस किस स्पीड से जो है वह मूव कर रहे हैं, वह आपका मोर्टिलिटी में चेक किया जाता है। इसके अलावा आपका सीमेन टेस्ट में स्पर्म की, सीमेन की तरलता, पीएच का स्तर या फिर अदर जो स्पर्म सीमेन है वह मौजूद है या नहीं है, यह जांच किया जाता है। अब बात करें स्पर्म टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो इस सीमेन टेस्ट जो है वह अगर इवेल्युएशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, इफ़ इनकेस अगर किसी को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है फीमेल को, तो उस कंडीशन में हस्बैंड का मेल इनफर्टिलिटी टेस्ट कराया जाता है या फिर असिमिलिटी ऑफ फर्टिलिटी पोटेंशियल के केस में, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट प्रोग्रेस की केस में या फिर अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू है कोई उस कंडीशन में, या फिर अगर किसी की नसबंदी वगैरह हुई है पहले, तो उस कंडीशन में जो है आपका सीमेन एनालाइज का टेस्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं कि सीमेन जो टेस्ट कराया जाता है उसका सैंपल आपको किस प्रकार से देना होता है। तो सीमेन का टेस्ट जो आप कराते हैं उसके लिए आपको कम से कम 2 से 5 दिन की जो है वो एब्सेंस रखनी होती है, और रिपोर्टिंग में आपको जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपको ये चीज़ जो है जब आप सैंपल दे रहे हैं उस टाइम पे आपको रिपोर्ट में लिखवाना होता है, मेंशन करवाना होता है कि कितने दिन के एब्सेंस जो है वो आपने मेंटेन करी है। और इसमें जो है आपको सैंपल जब देने जाते हैं आप उससे पहले कोई भी स्ट्रेस वगैरह जो है आपको नहीं लेना होता है। अब अगर बात करें इसके सैंपल कलेक्ट करने की, तो इसका सैंपल जो है आपको कभी भी हस्तमुथेन की ज़र्रे नहीं देना होता है। इसका सैंपल ही आपको नॉर्मली जो है वह सोच कर मतलब वैसे करके देना होता है, और इसके लिए आपको क्लीन कंटेनर जो है वह लैब से लेना होता है, और यह सैंपल देने के आधे घंटे बाद ही टेस्टिंग के लिए इस सैंपल को लगाना होता है। इसको उस आधे घंटे में भी 37 सेल्सियस में जो है वो मेंटेन करना होता है। तो जब भी आप सैंपल देते हैं तो कोशिश कीजिए 30 मिनट के अंदर जो है लैब में टेस्टिंग के लिए दे दें। अब अगर हम बात करें इस टेस्ट के प्रोसीजर की, तो इस टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है 30 मिनट मीन्स आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है उसको 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर जो है वो आपको लैब में देना होता है सैंपल, क्योंकि इफ़ इन केस अगर आप टाइमली नहीं देते तो उसकी मॉर्फोलॉजी और मोर्टिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है।
और इसका जो मतलब टेम्परेचर है उसको हमें 37°C to 98.6°F जो है आपको मेंटेन करके रखना होता है। अब बात करें इस टेस्ट की रिपोर्ट कैसे समझे, तो इस टेस्ट की रिपोर्ट में सबसे पहले आपका पीरियड ऑफ एब्सटेंस दिया जाता है, मीन्स कितने दिन का गैप जो है आपने रखा है। टाइम दिया जाता है किस टाइम सैंपल कलेक्ट किया गया है। एग्जामिन टेस्ट किस टाइम पे सैंपल जो है वो एग्जामिन किया गया है। क्वांटिटी मीन्स आपने जो सीमेन दिया है उसकी उसमें जो सैंपल दिया है स्पर्म का आपने उसमें सीमेन की कितनी क्वांटिटी है वह जांच की जाती है, जो कि नॉर्मली आपकी 1.5 से 5 मिलीलीटर्स देखने को मिलती है। इसके अलावा कलर देखा जाता है, जो कि नॉर्मली आपका वाइटेस या ग्रे वाइटेस ग्रे और स्लाइटली येलोइस कलर का होना चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि मीन्स वो जो उसकी थिकनेस कितनी है वह दिया जाता है। लिक्विफिकेशन चेक किया जाता है कि आपने जो सैंपल दिया है वह कितने 20 से 30 नॉर्मली वह कितने टाइम में इजैकुलेट हो रहा है, मतलब कितने टाइम में वह पतला मोम जेल टाइप जो है वो बन जा रहा है। तो उसकी नॉर्मली रेंज जो होती है वो 20 से 30 मिनट्स तक होती है। इसके अलावा पीएच चेक किया जाता है सीमेंट की टेस्ट में, जो कि जिसकी नॉर्मल रेंज 7.2 से 8.0 तक होती है। इसके अलावा स्पर्म काउंट कॉन्स्टिट्यूशन चेक किया जाता है, मींस स्पर्म का क्या काउंट है वो चेक किया जाता है कि मींस कितने स्पर्म जो है वो सीमेंट में मौजूद है। इसके अलावा स्पर्म मोर्टिलिटी चेक की जाती है कि जो मूव हो रहे हैं आपके स्पर्म्स वो कैसे कितने जो है वो मूव हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी मोर्टिलिटी प्रोग्रेसिव है तो आपकी है नॉर्मली रेंज नॉर्मल कहलाती है, नॉन प्रोग्रेसिव है तो मतलब ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा आपके इम्यूनो मोर्टिलिटी भी दी जाती है, 3 आपकी इम्यूनिटीज दी जाती है। अगर यह 50 से ज़्यादा है मोर्टिलिटी तो वह आपकी प्रोग्रेसिव कंडीशन कहलाती है, जो कि सबसे सही होती है। इसके अलावा अगर 50 से कम है तो वो आपकी नॉन प्रोग्रेसिव या इमोटिलिटी कहलाती है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी मतलब होता है शेप या स्ट्रक्चर, जो कि आपका नॉर्मली नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। हेड इसमें आपका चेक किया जाता है, हेड वगैरह टेल वगैरह जो है वो अब नॉर्मल तो नहीं है। इफ़ इनकेस अगर यह कुछ होता हैड अब नॉर्मल है या टेल अब नॉर्मल है तो वह आपके रिपोर्ट्स में मेंशन किया जाता है। फिर आता है विबिलिटी आपका चेक किया जाता है कि जो स्पर्म है उसमें कितने परसेंट तक जो है स्पर्म आपके जिंदा है, तो वो आपके मोर देन 60% होने चाहिए। रेड ब्लड सेल्स चेक की जाती है कि पेशेंट के स्पर्म में रेड ब्लड सेल्स तो नहीं है, इफ़ इनकेस अगर रेड ब्लड सेल्स होती है तो वह हेमेटोस्पेमिया कहलाता है। इसके अलावा स्पर्म चेक किया जाता है, स्पर्म में पस सेल्स चेक की जाती है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एपिथाइटिस सेल्स चेक की जाती है कि स्पर्म में जो है एपिथाइटिस सेल्स तो नहीं है। अब देखिए आप इमेज में देख सकते हैं स्पर्म काउंट इमेज में कि नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है वो कितने होते हैं और लो स्पर्म काउंट जो है वो कितने होते हैं। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये डायग्राम है, हेड अब नॉर्मल अगर फर्स्ट आप देखें तो आपका ये है थिन हेड, फिर दूसरा है लार्ज हेड मतलब पतला हेड है, फिर है बड़ा हेड, फिर है स्मॉल हेड, फिर डबल हेड, अलोंगेटेड या फिर एमरोफोस, ये आपकी हेड की अबनॉर्मलिटीज़ हैं। ऐसी आपकी मिड पीस अबनॉर्मलिटीज़ है, बैंट है, इरेगुलर है, किटोप्लास्टिक है, प्लास्मिक है या फिर थिक है या फिर एस्मोट्रिक्स है। इसके अलावा टेल अबनॉर्मलिटीज़ में आपकी कभी टेल ना हो, शॉर्ट हो या फिर ब्रोकन हो या फिर कॉइल्ड हो, टर्मिनेट टॉपलर्ड हो या फिर डबल हो, तो ये आपके स्पर्म मॉर्फोलॉजी में जो है अबनॉर्मलिटीज़ चेक की जाते हैं। नॉर्मल जो होगा आपका स्पर्म वो आप राइट कोण हमें नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये आपकी नॉर्मल होती है। इसके अलावा मोर्टिलिटी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं सीधा जा रहे हैं ग्रेड ए में, ग्रेड बी और सी में आप देख सकते हैं कि अलग ही डायरेक्शन में जो है वो आपके मूव ऑन कर रहे हैं। आई होप आपको स्पर्म काउंट की वीडियो क्लियरली समझ में आई होगी। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।